राजस्थान में लगातार डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तकरीबन 6000 डेंगू के केसेस दर्ज किए गए हैं और 10 लोगों की मौत की भी पुष्टि की गई है। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान की सरकार का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द स्थिति में सुधार करेंगे और लोगों से अभी अपील की है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। राजस्थान में डेंगू मामले पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग प्रभावी नियंत्रण के लिए डोर टू डोर सर्वे और फॉगिंग का काम कर रहा है। मरीजों को बेड मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसे हम सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में डेंगू से अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। डेंगू और दूसरी मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने बुधवार से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत सभी जिलों को नियंत्रण कक्ष और विशेष टीमें गठित की जाएगी। प्रदेश में फैल रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर खुद चिकित्सक मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्चुअली चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने ये ऐलान किया कि 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक राजस्थान में डेंगू और मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए राजस्थान में डेंगू मुक्त अभियान चलाया जाएगा।